तो दोस्तों आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं रियलमी के 8 प्रो का और पोको के X3 प्रो स्मार्टफोन का। रियलमी का 8 प्रो ऑलरेडी काफ़ी दिन हो चुके हैं उसको लॉन्च हुए इंडिया मार्केट में, और पोको का X3 प्रो स्मार्टफोन आज इंडिया मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो पोको के X3 प्रो स्मार्टफोन की कीमत रखी गई है ना, वो 20,000 रुपये से कम है। अब देखिए 20,000 से कम के स्मार्टफोन की जो लिस्ट है ना, उसमें नंबर 1 पर आ चुका है पोको का X3 स्मार्टफोन, क्योंकि यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है पोको X3 प्रो 20,000 रुपये से कम के बजट में। अब दोनों ही स्मार्टफोन की कीमत जो है 20,000 रुपये से काफ़ी कम है। यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन का बेस वेरियंट आपको 18,000 रुपये में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन का डिटेल कंपैरिजन करेंगे। दोनों ही स्मार्टफोन के दोस्तों आपको अलग अलग एडवांटेज देखने को मिल जाते हैं। एक में यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर देखने को मिलती है पोको X3 प्रो स्मार्टफोन में, और रियलमी के 8 प्रो स्मार्टफोन में आपको कैमरा परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर डिटेल में बताऊंगा कि आपको कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए। अगर आप इन दोनों में से कोई सा स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं तो प्लीज़ एक बार हमारी इस वीडियो को देख लीजिए बिना स्किप किए। मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि दोनों स्मार्टफोन में आपको कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज, आप देख रहे हैं एस टेक्निकल इंडिया यूट्यूब चैनल। तो बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों दोनों स्मार्टफोन साइड बाय साइड कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन को मैं साइड बाय साइड कर लिया है। एक तरफ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा रियलमी का 8 प्रो स्मार्टफोन, और एक तरफ आपको पोको का X3 प्रो स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं कीमत की। तो दोस्तों 19,000 रुपये में आपको लॉन्च किया गया है आज इंटर मार्केट में, और यहाँ पर ये 18,000 रुपये में आपको इसका दोनों स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। दोनों स्मार्टफोन की कीमत यहाँ पर ये रही। अब यहाँ पर पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन का डिस्प्ले की। अब डिस्प्ले में यहाँ पर आपको दोनों स्मार्टफोन में एक एडवांटेज भी देखने को मिलता है और एक डिसएडवांटेज भी देखने को मिलता है। पहले हम रियलमी 8 प्रो की बात करते हैं। यहाँ पर आपको 6.4 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि आप सभी चाहते हैं कि अपने स्मार्टफोन में सुपर एमोलेड डिस्प्ले हो। जबकि यहाँ पर पोको X3 प्रो स्मार्टफोन में एक आपको IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि 6.67 इंच का है। लेकिन यहाँ पर आपको एक एडवांटेज देखने को मिलता है IPS LCD डिस्प्ले होने के बाद। प्रोटेक्शन की अगर हम दोनों स्मार्टफोन की बात करें तो यहाँ पर आपको कॉर्निंग ग्लोबल ग्लास 5K प्रोटेक्शन देखने को मिलती है रियलमी 8 प्रो स्मार्टफोन में, और यहाँ पर आपको कॉर्निंग ग्लोबल ग्लास 6K प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। हालांकि यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है कि कॉर्निंग ग्लास की प्रोटेक्शन है, लेकिन यहाँ पर हमें अच्छी तरह से मालूम है कि रियलमी के 8 प्रो स्मार्टफोन में कॉर्निंग ग्लोबल ग्लास 5K प्रोटेक्शन दी गई है। अब वहीं पे देखिए जो मेन डिफरेंस आपको देखने को मिलता है ना, वो यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन के रिफ्रेश रेट में है। यहाँ पर आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है प्लस सुपर एमुलेट। यहाँ पर 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है प्लस IPS। अब यहाँ पर देखिए आपको HDR10 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जबकि यहाँ पर आपको कोई भी HDR10 का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। यानी कि डिस्प्ले जो आपको बेहतर देखने को मिलेगा ना, वो वन ऑफ द बेस्ट होने वाला है पोको X3 प्रो स्मार्टफोन का। हालांकि यहाँ पर रियलमी 8 प्रो स्मार्टफोन में आपको एडवांटेज देखने को मिल जाता है कि यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, जबकि पोको X3 प्रो स्मार्टफोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। और वहीं पर देखिए डिज़ाइन की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको प्लास्टिक बैक देखने को मिलती है रियलमी 8 प्रो स्मार्टफोन में, जबकि यहाँ पर आपको बैक ग्लास डिज़ाइन देखने को मिलता है। अब हम दोस्तों वेट की बात करें, 176 ग्राम का आपको देखने को मिल जाता है रियलमी 8 प्रो, जबकि यहाँ पर 215 ग्राम का देखने को मिलता है पोको X3 प्रो, क्योंकि वहाँ पर आपको थोड़ी सी बैटरी भी बड़ी देखने को मिलती है और साइज़ में भी थोड़ा सा बड़ा है पोको X3 प्रो स्मार्टफोन, इसलिए वो आपको ज़्यादा बड़ा और भारी देखने को मिल जाता है। मैं दोस्तों IP रेटिंग की बात करते हैं, यहाँ पर आपको सिंपल प्रूफ दिया गया है। अब यहाँ पर कोई भी सिंपल प्रूफ आपको देने गए, यहाँ पर IP53 की रेटिंग दी गई है पोको X3 प्रो में, जबकि यहाँ पर आपको कोई भी रेटिंग नहीं दी गई है। अब पीछे की तरफ डिजाइन की बात हो गई है यहाँ पर, अब कैमरा सेटअप की बात करें तो कैमरा में भी आपको एडवांटेज जो देखने को मिलता है ना, वो रियलमी 8 प्रो स्मार्टफोन में है, क्योंकि वहाँ पर आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। साथ ही वहाँ पर आपको एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलेगा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और साथ ही 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस देखने को मिल जाएगा। जबकि पोको X3 प्रो स्मार्टफोन में आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ। तो यहाँ पर आपको तीनों कैमरे सेंसर जो है ना, वो सेम देखने को मिलते हैं, सिर्फ यहाँ पर आपको प्राइमरी सेंसर चेंज देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आपकी क्या रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ आपको कैमरा ही अच्छा चाहिए, तो यहाँ पर रियलमी के 8 प्रो की तरफ आप जा सकते हैं। वरना तो यहाँ पर पोको X3 प्रो स्मार्टफोन तो वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है। वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पर देखिए आपको फुल एच जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग है वो आप 30 FPS पर कर पाएंगे दोनों ही स्मार्टफोन में। फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग 60 FPS पर कर पाएंगे, और यहाँ पर HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 240 FPS पर दोनों ही स्मार्टफोन में, यहाँ पर अभी मेंशन नहीं किया गया है। वहीं पर सेल्फी कैमरा की अगर हम बात करें ना, तो वो आपको ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगा पोको X3 का, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है ना 20 मेगापिक्सल का पंचोल सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जबकि रियलमी 8 प्रो में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप दिया गया है। वहीं पर उसमें दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर की बात करें, जो कि मेन हाईलाइट है पोको X3 प्रो स्मार्टफोन का। अब देखिए यहाँ पर जो रियलमी का 8 प्रो स्मार्टफोन है ना, वहाँ पर आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 720G देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 860 देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि कितनी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगी।
नैनोमीटर की बात करें तो यहाँ पर आपको 8 नैनोमीटर का प्रोसेसर देखने को मिलेगा रियलमी 8 में, यहाँ पर आपको 7 नैनोमीटर का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। अब दोनों ही स्मार्टफोन में आपको LPDDR4X रैम देखने को मिल जाएगी। दोनों ही स्मार्टफोन का 6GB रैम बेस वेरियंट है। यहाँ पर आपको ग्राफिक्स जो देखने को मिलेंगे ऑब्वियसली यहाँ पर पोको X3 में देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको एंड्रॉइड की 640 ग्राफिक्स दी गई है, यहाँ पर आपको 680 ग्राफिक्स दी गई है। अगर आप गेमिंग के लिए स्मार्टफोन बाय कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको पोको X3 प्रो की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको अच्छी गेमिंग मिलेगी और अच्छे ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर डिस्प्ले में भी आपको HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो आप PUBG जैसे गेम HDR में भी खेल पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात हो चुकी है, बात करते हैं बैटरी की, यहाँ पर कौन से स्मार्टफोन में आपको कितने एमएच की बैटरी देखने को मिलती है। अब जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था डिजाइन की जब बात चली थी कि यहाँ पर आपको काफ़ी हल्का देखने को मिलता है रियलमी 8 प्रो, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर आपको 4500 एमएच की बैटरी दी गई है। अब यहाँ पर पोको X3 प्रो स्मार्टफोन आपको 5160 एमएच की बैटरी दी गई है, जो कि इसी वजह से ये भारी हो जाता है थोड़ा सा। तो यहाँ पर आपको 50 वाट का डार्क चार्जर देखने को मिल जाता है रियलमी का, जो कि आपके स्मार्टफोन को 47 मिनट में फुल चार्ज कर देगा 0 to 100%। और यहाँ पर 33 वाट का फ्लैश चार्ज देखने को मिल जाता है पोको X3 में, जो कि आपके स्मार्टफोन को 1 घंटे में फुल चार्ज कर देगा। अब यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन में दोस्तों 128 का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा बेस ब्रांड में, लेकिन यहाँ पर भी आपको एक एडवांटेज देखने को मिलता है पोको X3 प्रो में, यहाँ पर आपको UFS 3.1 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि आपको काफ़ी फास्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा देगी, जबकि रियलमी 8 प्रो में आपको UFS 2.1 का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन हर जगह पर निकल कर आ रहा है पोको का X3 प्रो। अब यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन 4G के साथ में आता है, दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन में आपको 5G का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। देखिए यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन में ब्लूटूथ भी 5.0 सपोर्ट देखने को मिल जाती है, साथ ही यहाँ पर आपको काफ़ी सारे सेंसर भी देखने को मिल जाते हैं पोको X3 प्रो स्मार्टफोन में। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको ये एयरफोन जैक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि 3.5mm का फिंगरप्रिंट की, जैसे मैंने पहले ही बताया था रियलमी 8 प्रो में सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, तो वहाँ पर आपको एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है पोको X3 प्रो स्मार्टफोन में। अब देखिए यहाँ पर अगर आप मेरी चॉइस सुने तो यहाँ पर मैं डेफिनेटली यहाँ पर पोको X3 प्रो की तरफ जाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक ही चीज़ आपको बेहतर देखने को मिलती है रियलमी 8 प्रो में, वो है कैमरा। अब एक चीज़ के लिए मैं यहाँ पर इतनी अच्छी डील तो नहीं छोड़ूंगा, यहाँ पर आपको डिस्प्ले भी बेहतर देखने को मिलता है। अगर हाँ रियलमी 8 प्रो स्मार्टफोन में आपको सुपर एमोलेड के साथ में 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता तो मैं ऑब्वियसली यहाँ पर रियलमी 8 प्रो के साथ में ही जाता, लेकिन यहाँ पर IPS के साथ में आपको 120Hz प्लस HDR10 का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर आपको बैटरी भी बड़ी देखने को मिलती है, डिस्प्ले ज़्यादा बेहतर देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको प्रोसेसर भी ज़्यादा बेहतर देखने को मिलता है, तो 3 फायदे तो यही होगा। और यहाँ पर कैमरे में आपको थोड़ा सा कमी देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको जो फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है ना, वो इसका ज़्यादा बेहतर देखने को मिलता है। सिर्फ आपको यहाँ पर बैक कैमरा देखने को मिलता है 108 मेगापिक्सल का, साथ ही यहाँ पर आपको एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, बस इसके अलावा कुछ भी ज़्यादा बेहतर नहीं है रियलमी की 8 प्रो सीरीज में। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो रियलमी की फ्लैश सेल थी ना पहली सेल, उसमें ये स्मार्टफोन आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुआ, अभी तक ये स्मार्टफोन स्टॉक में पड़ा हुआ है फ्लिपकार्ट पर, आप चाहे तो जाकर के देख सकते हैं। अब आप रेडमी या पोको के कोई से भी स्मार्टफोन की सेल देख लीजिए, वहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं सभी स्मार्टफोन, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि रेडमी और पोको दोनों के ही स्मार्टफोन में आपको बैक ग्लास डिजाइन देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब अगर आप मेरा ओपिनियन सुने तो मेरी तरफ से पोको X3 प्रो ही एक सही स्मार्टफोन है, यहाँ पर रियलमी 8 प्रो स्मार्टफोन में कभी भी किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगा। बाकी आपकी जो राय है वो आपका पैसा है, आपकी मर्जी, आप कौन सा भी स्मार्टफोन खरीद लीजिए। बाकी अगर आपकी रिक्वायरमेंट कैमरा की है तो आप रियलमी के 8 प्रो की तरफ भी जा सकते हैं। अब उससे उम्मीद करूँगा कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों ऐसी टेक्नोलॉजी वीडियोज़ में आपको लूज़ आना लाता रहता हूँ, तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।